मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ यार, जिससे कि बुक्स कौन सी यूज करनी है वो सब बताऊंगा। डोंट वरी, आज की क्लास में हम वार्तालाप ही करेंगे, आप मेरे से डाउट पूछोगे, ठीक है? मैं थोड़े थोड़े कमेंट्स देख रहा हूँ, और जो ऊपर एक क्वेश्चन टैब है, क्वेश्चन टैब दिख रहे हैं ना यार, कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा उसमें आप टाइप करके डाल सकते हो, वो मैं क्लास के लास्ट में देखता हूँ। फील आ रही है? तो अभी मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, जैसे ही 2 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन टैब देखूंगा, ठीक है? क्या फील आ गई? ग्रेट, ओके। अच्छा, आपका नीचे होता है, मुझे वो क्वेश्चन टैब जैसे आप टाइप करते हो मेरे को ऊपर दिखाई देता है, वो रजिस्टर ऊपर होता है। चलो ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। माय नेम इज अमन, ठीक है? अभी अभी मैं 23 साल का हुआ हूँ, तो मेरे को 23 अच्छा नहीं लगता, तो तुम मुझे 22 साल का कह सकते हो। आज से 4 साल पहले मैं भी 12th क्लास में था, ठीक है? तो ज्यादा बुढ़ापे का गैप नहीं हुआ है। जिस सिचुएशन से तुम जा रहे हो उसी से हम भी गए थे, बस तुम्हारा एक पेपर ज्यादा हो रहा है, ठीक है? हमारे टाइम में क्या होता था यार, बोर्ड एग्जाम और जेईई मेंस दोनों के नंबर मिलते थे, तो हमारे साथ भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऑल्दो आपको तो कैप्टन अमेरिका ही बना दिया उन्होंने, ठीक है? तो हम क्या करेंगे अब फिर? अब मैं यार बॉर्न इन राजस्थान हूँ, और शुरुआत के 2-3 साल गांव में ही रहा था। और राजस्थान में यार हमारे यही होता है कि या तो आर्मी वगैरह ज्वाइन कर लो या फिर स्पोर्ट्स में करियर बनाओ, इनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आर्मी और स्पोर्ट्स को। तो जब मैं दिल्ली आया पापा की जॉब की वजह से, तो पापा ने कहा बेटा बताओ कौन सा स्पोर्ट खेलोगे। तो मैंने यार कोई सा स्पोर्ट खेल नहीं रखा, तो मैंने बोला क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है? फिर पापा ने कहा बेटा क्रिकेट में तो 11 लोगों की टीम होती है, तो है ना तुम 10 लोगों पर डिपेंडेंट रहोगे, तो ऐसा कर टेनिस खेल, टेनिस वन मैन गेम होता है, अगर तेरे में दम होगा तो निकाल लेगा। मेरे को टेनिस का टी नहीं पता था, मैंने कहा एज यूजुअल ओके पापा। तो पापा ने कहा ठीक है, तो मैंने लॉन टेनिस खेलना स्टार्ट किया। ये मैंने स्टार्ट किया था अपनी 3rd क्लास के अंदर, और मैंने स्कूल भी वही ज्वाइन करा था, मैंने अपना स्कूल बदलवाया था, मैं ऐसे स्कूल में गया था जिस स्कूल के अंदर लॉन टेनिस ग्राउंड हो, जिससे कि मैं ब्रेक वगैरह में प्रैक्टिस कर सकूं। वो पापा होते हैं ना, मम्मी पापा छोटी एज में हर छोटे छोटे चीज को देखते हैं कि ये भी इसे मिले, ये भी मिले। अब लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्पोर्ट्स में डाला, और धीरे धीरे क्या है कि यार ये भी था कि पढ़ाई भी अच्छी चले। तो मेरे पापा का हमेशा यूं था, जिस बच्चे की मैथ्स प्लस इंग्लिश स्ट्रांग है वो बच्चा कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, और ये रियलिटी है। अगर आपकी एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश प्लस मैथ्स सही है, तो आप कुछ भी उखाड़ सकते हो। और ये मैंने अपना जो लाइफ का फर्स्ट सेमिनार लिया था, वहां पे भी जो हमारे आगे मेंटर थे उन्होंने हमें बताया था, विच इज अ फैक्ट। तो बचपन से पापा जी ने मैथ्स स्ट्रांग रखी, और 10वीं क्लास तक की तुम्हें मैथ्स पता भी है कैसी होती है, तुम क्लास में हाईएस्ट नंबर ले आते हो, आरडी शर्मा निकाल लेते हो, कर लेते हो कुछ कुछ, ठीक है? तो मैथ्स इंग्लिश दो पे ध्यान रखा, और 7th क्लास में पापा ने कहा चलो बेटा एंट्रेंस टेस्ट दो और डीपीएस वसंत कुंज में आ जाओ। तो मैं डीपीएस वसंत कुंज में आ गया, ठीक है? ये लक्ष्मण पब्लिक स्कूल था, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल LPS, और 7th क्लास में मैं DPS वसंत कुंज में आ गया। फिर वहां पे भी लॉन टेनिस कोर्ट थे, अच्छी बात ये थी, और लगभग 10th तक मैं वहीं रहा। उसके बाद 11th क्लास में किसी ने कहा कि DPS वसंत कुंज से भी अच्छा एक और स्कूल होता है, और वो है DPS RK-PURAM, और उससे भी अच्छी बात ये कि मेरे घर के पास था, तो इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है 11th क्लास के अंदर, ठीक है? और वो मैंने दिया और वो भी क्लियर हो गया था। तो फिर मैं आ गया DPS RK-PURAM में, और मुझे RK-PURAM एक कारणवश और भी अच्छा लगता था। वो कारण ये था कि 9th क्लास में मैं आपका नेशनल्स खेलने गया था, तो नेशनल्स जब मैं खेलने गया था इंटर डीपीएस हुआ था, तो मैं पता है ऑल ओवर इंडिया कितने डीपीएस हैं, मैंने 9th क्लास में देखा था तब 125 डीपीएस थे, तो इन सबका कॉम्पिटिशन हुआ था। और आपका होता है ना यार कि ओपन होता है, अंडर 14 होता है, अंडर 16 होता है, अंडर 18 होता है, फिर एक ओपन होता है, बेसिकली अंडर 18 को ही ओपन बोलते हैं। तो मैं ओपन कैटेगरी में खेलने गया था 9th क्लास में, मेरा लॉन टेनिस बहुत सॉलिड था, मतलब दिन में 5-5 घंटे मैंने लॉन टेनिस खेला है 3rd क्लास से लेके 11वीं क्लास तक। तो उसमें मैं सेकेंड आया, DPS वसंत कुंज सेकेंड आया, और फर्स्ट पता है कौन आया था? फर्स्ट आया था DPS RK-PURAM। तो जब मैं 11th क्लास में जा रहा था, आई वॉज लाइक यस, अब मैं स्कूल में आऊंगा और अपन गोल्ड लेके आएंगे। तो स्पोर्ट्स में थे पूरे। फिर जैसे ही 11th के अंदर आए, तो पापा जी ने क्या कहा, बेटा स्कूल तो DPS RK-PURAM मिल गया है, पर अब ये बताओ स्पोर्ट्स खेलोगे या फिर पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग करनी है?
अब मैंने पापा को कहा पापा स्पोर्ट्स खेलना है, आज तक वो ही खेला हमने। तो पापा बोले ठीक है बेटा इंजीनियरिंग कर लो। तो ऑप्शन तो होता नहीं था, एज अ गुड बॉय मैंने बोला ओके ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो हम जब अब स्पोर्ट्स खेलने का यार मेरे को एक बहुत फायदा हुआ लाइफ में, और वो ये था कि नेवर गिव अप वाला एक वो आ जाता है। क्योंकि जब मैं थर्ड क्लास से खेलना स्टार्ट किया था, इनिशियली मैं कभी भी गेम नहीं जीतता था। मैं कोचिंग में बहुत अच्छा खेलता था, पर जैसे ही कोई गेम होता था टूर्नामेंट वगैरह मैं बच्चों से हार जाता था, बहुत नर्वस रहता था, बेस्ट परफॉर्मेंस कभी नहीं आई। पर वो खेलते खेलते 3-4 साल में धीरे धीरे हम जीतना स्टार्ट हुए। और स्पोर्ट्स आपको नेवर गिव अप स्ट्रैटेजी देता है, नेवर गिव अप, समझ रहे हो, हंटर टाइगर राइट। तो शायद मैं 10th क्लास तक उतना पढ़ा नहीं, नंबर अच्छे आ जाते थे मैथ्स वगैरह में, पर उसने एक ऐसी चीज थी वो थी फाइटर स्पिरिट। वो क्या थी? फाइटर स्पिरिट, वॉरियर स्पिरिट, ठीक है कि भाई खेलेंगे, धूप के 3 बज रखे हैं फिर भी हम खेलेंगे। ओके अब जब हम 11th में आए, तो यार 11th में तुम्हें पता चलता है कि जिस मैथ्स में तुम सोच रहे थे तुम स्ट्रांग हो उसमें तुम स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है, एकदम से जज्बात बदल दिए, माहौल बदल देते हैं वो, हाँ या ना। तो फिर भी यार क्योंकि बिलीफ था कि हाँ मैथ्स अच्छी है, तो मैंने क्या पकड़ा कि यार मैथ्स को है ना टाइम देंगे तो हो जाएगी। मैथ्स को टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट गए। फील आ रही है? थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पसंद था तो चलो केमिस्ट्री को पकड़ लिया, पर फिजिक्स मेरा एकदम छूट गया था, फिजिक्स मेरा एकदम छूट गया था। तो इवेंचुअली क्या हुआ, मैथ्स में नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में नंबर आ रहे हैं, पर फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रहा। टीचर भी कुछ ऐसे ही थे, ठीक है, और मेरा ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा है, 1-2 घंटे में दूर जाता था कोचिंग में और फिर वापस आता था, DTC के सारे रूट पता चल गए थे, ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते धक्का खाते खाते हम 12th में पहुंचे, और 12th में था यार बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है क्योंकि उससे जेई मेन की रैंकिंग आएगी, बोर्ड इज ऑल्सो काउंटेड। अब मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने एक डिसीजन लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ो। वहां पे देख लिया मैंने कुछ निकल के नहीं आ रहा, इतना मजा नहीं आ रहा। मैं घर में बैठा और मैंने पर्सनल ट्यूशन लगाया था उस टाइम। पर्सनल ट्यूशन मतलब मैं जाता था कहीं पे, उनसे पढ़ के आता था फिर वापस आता था। ट्रैवलिंग टाइम अभी भी कम नहीं हुआ था, पर अब मुझे इंडिविजुअल ट्यूशन मिल गया था। इंडिविजुअल मतलब मेरी क्लास में बच्चे कम थे, 10-15 बच्चे होते थे और उन्हीं में पढ़ते थे, और टीचर क्या होता है फिर फोकस ज्यादा होता है आपके ऊपर। तो मैंने यार फिजिक्स को अपना मेन स्ट्रेंथ बनाया, वहां से मैंने दोबारा उठाई, ठीक है, और केमिस्ट्री जो थी वो वैसी की वैसी स्ट्रेंथन रही। मैथ्स पे मैंने अपना टाइम थोड़ा कम किया, और इवेंचुअली ये हुआ जब मैं 11th में था यार मेरे फिजिक्स में बहुत कम नंबर आते थे। हमारे टाइम में 120 नंबर का पेपर होता था, तो कभी कभी ऐसे होता था कि भाई 15 तक आए हैं मेरे, मेरे 25 तक आए हैं, ठीक है, इस तरह के नंबर आ रहे हैं। पर जैसे ही मैं 12th में आया और फिजिक्स को एक बार समझ के पढ़ना स्टार्ट किया, ये सेम चीज में मेरे सब्जेक्ट, मेरा पहला जंप पता है क्या आया था? मेरा पहला जंप मुझे याद है, 120 का पेपर हुआ था और मेरे 105 आए थे फिजिक्स के, जो शुरुआत के 2 चैप्टर हैं। और मैंने कहा भाई साहब इतने तो ना केमिस्ट्री में है ना मैथ्स में है, मतलब अगर इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा जाए तो ये मजे दिला सकता है। और वहां से फिजिक्स के साथ एक प्रेम जुड़ गया, ठीक है, और कुछ कुछ हुआ फिर इतने में यार आपको पता भी नहीं चलता कि आपको पता चला आपकी 11th कैसे बीत गई, नहीं ऐसे लगता है कि कल की बात थी, अभी तो 10th का रिजल्ट आया था, 12th में आ गए, सिमिलरली 12th भी निकल जाएगी। हमारे अभी यार IITs में मेरे को मिली थी बहुत लोअर चॉइस, ये BHU वगैरह नहीं होते ये सब मिले थे, तो उससे बेटर मेरे को पहले ही पता था मेरी औकात नहीं है IIT वाली, मैं स्पोर्ट्स का बंदा हूँ। मुझे जो पता था कि IIT के अंदर मेरे को कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कोई छोटी ब्रांच मिलेगी, छोटा कॉलेज मिलेगा। तो मेरा पहले से टारगेट था कि मुझे NITs, IIIT या फिर दिल्ली के अंदर दो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, NSIT, DTU, इनके अंदर जाना है। और NSIT के बारे में मैंने सुना था कि यार लास्ट ईयर जो 12th में जब मैं था यहाँ से 8 बच्चे निकले थे गूगल के अंदर जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज था, और ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 की। तो 8 बच्चे तो यार IIT दिल्ली से नहीं निकलते गूगल के अंदर, 1.25 करोड़, तो ये बहुत अच्छा था। और मैंने सोच लिया था कि यार अगर इसकी मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल गई ना तो स्वाद आ जाएंगी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा ग्रेट, इसी के करते हैं, ये हमारी औकात के अंदर है और इसको हम टारगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे यार आपको चीज समझती जानी है, मैं आपको सारी अपनी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका भी कुछ सेम रहा है तो जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हो, हाँ या ना। प्लस तुम्हारे पास तो मैं हूं, तुम्हें रास्ते बता दूंगा कहाँ से लेफ्ट राइट लेना है, यस और नो, ग्रेट। तो अब हम इस कॉलेज के अंदर आ गए। अब मैं यार थोड़ा शाय था, ठीक है, अब कॉलेज की जर्नी के अंदर हम जा रहे हैं, कॉलेज की जर्नी के अंदर जा रहे हैं। आज यार सिर्फ एक दूसरे को हम जानेंगे, चिंता मत करो,
कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि आज क्लास है, ठीक है? तो आज हम थोड़ा जानेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तुम मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो आज, देखो, अबाउट द कोर्स, अबाउट एनीथिंग, राइट? ओके, तो मेरी लगभग यहाँ पे रैंक आई थी 6024, ठीक है? तो 6024 में आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, मेरे को मिला आईटी, जो कि कंप्यूटर साइंस के जस्ट बाद होता है, पर लगभग अच्छी ब्रांच होती है, तो इट्स गुड, ठीक है? दोनों का एवरेज पैकेज सेम ही जाता है। तो मैंने कहा ओके, चलो मिल गए, अब अंदर जाते हैं। हाँ, मेंस के अंदर। अब मैं बहुत खुश था, टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मेरे पापा यूं थे कि बेटा ड्रॉप ईयर ले लो, आईआईटी चले जाओ, क्योंकि आईआईटी का टैग बहुत अच्छा होता है। और मैं भी कंफ्यूज था कि यार कहीं आईआईटी का टैग बहुत अच्छा तो नहीं होता, पर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं यार, एनएसआईटी के अंदर जाएंगे। अब जब चले गए कॉलेज के, कुछ 4 साल बीते, उनके अंदर मैंने कुछ रामायण महाभारत और सब कुछ करा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैं फोर्थ ईयर में निकल रहा था, तो मेरा ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है? दिस इज अ फैक्ट, ठीक है? दिस इज अ फैक्ट। आई हैव नॉट बीन टू आईआईटी दिल्ली बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, बट स्टिल आई गॉट समहाउ, टच वुड, अ नाइस पैकेज। ओके, सो बस कितना, देखो यार, कभी भी एक औरत की उम्र और एक आदमी की इनकम नहीं पूछते, पर फिर भी मैंने अपने वीडियोस में काफी बार बता रखा है। मैं बार बार नहीं बताता क्योंकि वो अजीब सा लगता है मेरे को, खुद क्रिंज होने लग जाता है, ठीक है? और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आई डोंट वर्क फॉर एनीवन, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपना, मेरी जहां मन करता है मैं उधर काम करता हूँ। पॉइंट बीइंग, मैंने खुद का काम किया था, और वो मेरा खुद का काम, लोगों को प्लेसमेंट मिलती है जब वो किसी के लिए काम करते हैं, उनको जॉब मिलती है, मैंने अपना प्लेसमेंट क्रिएट किया था। क्या चीज समझ रहे हो? मैं आज के दिन 6 से 7 काम करता हूं, फील आ रही है? ठीक है, ग्रेट। सो बस, तो अब इस 4 साल के दौरान मैंने एक चीज समझी कि यार, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 10th तक ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, जिसने 11th 12th में भी एक एवरेज बच्चा ही रहा, 6000 रैंक कोई टॉप क्लास रैंक नहीं होती यार, वो टॉप 100 रैंक नहीं है, वो टॉप 500 रैंक नहीं है, ठीक है? पर जो भी चीजें मेरे साथ हुई उनका मुझे एक प्लस पॉइंट दिखता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? भैया प्लस पॉइंट कैसे? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैंने शुरुआत में बचपन में स्पोर्ट्स खेला, वो मेरा सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है। वो मेरी कमी नहीं है कि यार बचपन में मुझे आरडी शर्मा निकालनी चाहिए थी, बचपन में मुझे और पढ़ना चाहिए था, आईआईटी जेई की तैयारी नहीं, अच्छा हुआ मैंने स्पोर्ट्स खेला, हेल्दी रहा, ठीक है, फाइटर स्पिरिट आई। फिर सिमिलरली जब मैं 11th के अंदर आया, तो यहाँ पे मैंने और फाइट मारी, मुझे 11वीं में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, मेजोरिटी बच्चों की तरह कर रहे हैं, हसल में लगे हुए हैं। पर ये भी एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसने हसल करना सिखाया है। हाँ या ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम 2 घंटे की ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस पकड़ के जा रहे हो, वापस आ रहे हो, 3 टीचरों से पढ़ रहे हो। मैंने गलतियां करी, मिस्टेक्स करी, और उन मिस्टेक्स से मैं सीखा। क्या फील आ रही है? तो जब हम यार कंप्लेन करते हैं कि यार मेरी 11वीं बर्बाद हो गई किसी टीचर की वजह से, या फिर मेरा स्कूल खराब था, या माहौल खराब था, पेरेंट्स ने अच्छी तरह से गाइड नहीं किया, तो फिर उन्हें दिल से क्रिटिसाइज करो। जिंदगी में अगर कोई चीज किसी की वजह से खराब हो रही है, तो उसी की वजह से अच्छी भी हो रही है। उस खराब माहौल ने आपको फाइट और हसल करना सिखाया है, राइट और नो? वो 11वीं अगर मेरी उतनी खराब नहीं जाती, तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं हूं। फील आ रही है? तो हमें हर चीज की प्लस साइड भी देखनी है। ग्रेट। सो फिर 12th के अंदर आए, 12th के अंदर कुछ कुछ सीखा। यहाँ पे हम ये सीखे कि यार किसी चीज को पकड़ के अगर करना स्टार्ट करते हैं और उस पर प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंट रहें, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है? ग्रेट। अब जब मैं कॉलेज के अंदर आया, तो मैं ये